30 मई से इंग्लैंड में शुरू हो रहे वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा ने शिखर धवन को सबसे गंदा खिलाड़ी बताया है। आईसीसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें रोहित ने अपने साथी ओपनर शिखर धवन को सबसे गंदा खिलाड़ी बता रहे हैं। अरे चौंकिए नहीं, दरअसल रोहित शर्मा ने ये बात मजाक मजाक में कही है। आईसीसी ने रोहित शर्मा से टीम के दूसरे खिलाड़ियों पर सवाल पूछे। रोहित शर्मा से एक सवाल पूछा गया कि सबसे गंदा रूममेट कौन है। इस पर रोहित शर्मा ने शिखर धवन का नाम लिया और कहा कि वो बहुत गंदे रहते हैं। रोहित शर्मा ने धवन ही नहीं हार्दिक पांड्या के बारे में भी खुलासे किए। रोहित शर्मा ने कहा कि हार्दिक पांड्या सबसे ज्यादा सेल्फी खींचते हैं। रोहित शर्मा ने पांड्या को खराब डांसर भी बताया। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि हार्दिक पांड्या अक्सर अपना नाम गूगल पर सर्च करते रहते हैं। रोहित शर्मा ने यह भी बताया कि पांड्या हमेशा फोन से चिपके रहते हैं और कुलदीप यादव भी ऐसा करते हैं। रोहित शर्मा ने कप्तान विराट कोहली के बारे में कहा कि वो हमेशा जिम में रहते हैं, शायद यही वजह है कि विराट कोहली की फिटनेस इतनी अच्छी है। रोहित शर्मा ने खुद के बारे में भी कहा कि वो सुबह सबसे ज्यादा आलसी रहते हैं। साथ ही उन्होंने टीम इंडिया के बैटिंग कोच संजय बांगर को लेट लतीफ बताया। वैसे आपको बता दें कि इस तरह के मजाकिया इंटरव्यू के साथ टीम इंडिया वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी हुई है। पहले वार्म अप मैच में उसे न्यूजीलैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। अब टीम इंडिया मंगलवार को अपना दूसरा वार्म अप मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।